हाँ अपन बनाएगा इतना छत्ती क्यों पहनते इतना मोटा मोटा जूता क्यों पहनते इसलिए दीपक दीपक यहाँ से एक मिनट अंदर आ गए फिर भी नहीं आ पाया लेकिन पकड़ लग गया तो पहले तब में काफी इसकी मुंडी जो है देखो मुंह ना लगा ठीक रास्ता है काफी जद्दोजहद के बाद मैंने हमारी रंग ला दी हाँ कोबरा है बनाएगा बनाएगा तो सर्दी का मौसम है ना नहीं नहीं तोड़ा वाला कुछ भी नहीं हूँ थोड़ा स्पेक्टिकल कोबरा है यह काफी सुस्त है भाग ना पड़ो ठंडी मार दे भाई हाँ ठंडी लगी है लेकिन अंदर जब तक था तो थोड़ा इसके अंदर हाँ बनाएगा सर्दी की वजह से फन कम बना रहा है ज्यादा इसको छेड़ेंगे नहीं तंग नहीं करेंगे कि वो परेशान पहले से है कोई डब्बा देना जरा उसमें पैक करते हैं अपनी बत्ती ले लो भैया डब्बा अच्छा डब्बा भैया आपका नाम क्या है अखिलेश यादव नाम पता पूरा बता दीजिए अपना मेरा नाम अखिलेश यादव बरैया काजी कब देखे थे आपको अरे आधा घंटा पहले तो काम हमारा कैसा लगा बहुत बढ़िया काम लगा आपका हमारा हेल्प करती है करते रहिए इस तरह हम जीव जंतु को बचाते रहे और अच्छी बात है आप लोग मारे नहीं और बैग एक डब्बा दे दोगे क्या हाँ हाँ कोबरा है थोड़ा सर्दी के मौसम में सुस्त पड़ा है
और इसको, इसका ब्लड होता है काफी कूल होता है, ब्लड ना इसका ठंडा होता है। दीवार के अंदर था, तोड़ के निकालनी पड़ी दीवार को, कुछ नहीं तोड़ना पड़ा दीवार, वहाँ जड़ी बूटी कुछ नहीं काम करता है, सब बेकूफी पना है। अगर किसी को सर्फदंश हो तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? हॉस्पिटल, एंटीवेनम से ही जान बचेगी, ना कि कोई झाड़ फूक से या जड़ी बूटी से बच जाए कोई। बिना जहर वाला काटेगा तो झाड़ फूक से आदमी बच जाएगा, यह जहरीला है, अगर यह काटेगा तो हम पूरी गारंटी लेते हैं कोई नहीं बचा पाएगा, सिर्फ एंटीवेनम ही जान बचाएगी। 40 से 50 मिनट का समय होता है। सर्दी का मौसम है ना, नहीं तो इतने कई बार अटैक करता है जूतों पे, इसलिए तो अभी वहां से मुंह बाके देखो दौड़ रहा था, यहाँ गर्माहट मिली थी दीवार के अंदर ना। हाँ हाँ, दीवार तोड़नी पड़ी थी। अब कितना बताया दे लोग को, मतलब समझ नहीं आ रहा। तंत्र मंत्र अगर तंत्र होता हमारे पास तो इतना छत्ती क्यों पहनते, इतना मोटा मोटा जूता क्यों पहनते? इसलिए पहनते हैं कि हमें ताकि काटे ना। तो कर लेंगे अभी, छेद नहीं होगा तो। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। आप लोग लो, पकड़ लो, अब यहाँ से पकड़ लो, देख लो यहाँ पकड़ सकते हो, नीचे हाथ लगाया हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, रखो, जहरीला है, इतना मजाक ठीक नहीं है, बच्चों के बिल्कुल पास में ना लाओ, क्योंकि जहरीला है, बच्चों से दूर रखिए। वही है सब कुछ, छीने थोड़ी सब वही है। तो सांप काटने पे कहाँ जाना चाहिए? हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। झाड़ फूक करता ही ना, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। आज कैद हो गया भैया तो आजाद रहा। रेश कुमार सक्सेसफुल हुआ, इसमें जरा होल्ड करते हैं, किसको पकड़ना है? अरे मत, मक्के में नहीं पकड़े तो रहा, लेकिन वो बाना है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद देते हैं। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैले और सांपों को मारे ना बचाने की कोशिश करें। हमारा लोगों से निवेदन यही है। जगह है ये? हाँ, सांस ले सकते।